पूर्व दस्यु सुंदरी सीमा यादव लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी सीमा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को खुली चुनौती देंगी। उनका कहना है कि अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में कुछ भी नहीं किया है, लोगों की जरूरत रोटी कपड़ा आवास को भी उनसे छीन लिया है। पेश है उनसे खास बातचीत के कुछ अंश। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तो वहीं पर कानपुर देहात से पूर्व दस सुंदरी सीमा यादव मिर्जापुर के लिए चुनाव के लिए रवाना हो रही है। हम बात करेंगे उनसे खास बातचीत। मैडम, क्या अहम रहेगा, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी से। किसके मतलब आप किसकी टक्कर वहाँ किससे है? अनुप्रिया पटेल जी से। अनुप्रिया पटेल जी से आपसे टक्कर है, क्या रहेगा वहाँ पर, मतलब जीतने के बाद आप क्या करेंगे? जीतने के बाद मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ पर जो सबसे पहले तो मिर्जापुर में पीतल का खदान था, और आज की डेट में मिर्जापुर में जनता इतनी ज़्यादा परेशान है कि यानी भाजपा वाले लोगों ने उनको कुछ नहीं दिया है। तो हमारी सोच है कि हम वहाँ जब अगर जीत के आएंगे तो वहाँ पर पहले नंबर तो दो फैक्ट्री खुलवाएंगे जिसमें रोजगार नहीं है। जब इंसान को रोजगार मिलेगा तो वो चैन से अपने परिवार को पालेगा और अपने दो वक्त की रोटी कमा के खाएगा। जब रोजगार ही नहीं है तो जनता तो परेशान होनी ही है। अच्छा, वहाँ की जो जनता है, वहाँ एक तरफ आपके सामने केंद्रीय मंत्री हैं और आप पूर्व दस सुंदरी, क्या आपका सपोर्ट वहाँ जनता कर रही है खुलकर? बिल्कुल खुले में सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मंत्री बनने से ऐसा तो नहीं है कि अपना ही पेट भरा जाए। वो मंत्री जरूर है पर उन्होंने जनता के लिए जो रोटी कपड़ा आवास था वो छीन लिया है, तो जनता वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी है। तो वहीं पर आज कानपुर देहात से पूर्व दस सुंदरी सीमा यादव मिर्जापुर के लिए रवाना हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या सीमा यादव का वहां पर लोकसभा चुनाव में पंचम लहराएगा या नहीं। कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा, ईटीवी न्यूज़।